भारत का संविधान अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन, अनुच्छेद 372 एक, अनुच्छेद 395 में निर्दिष्ट अधिनियमितियों का इस संविधान द्वारा निरसन होने पर भी, किंतु इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में सभी प्रवृत्त विधि वहां तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे परिवर्तित या निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है। दो, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी प्रवृत्त विधि के उपबंधों के इस संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने के परियोजनों के लिए राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी विधि में निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगा जो आवश्यक या समीचीन हो, और या उपबंध कर सकेगा कि वह विधि ऐसी तारीख से जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी और किसी ऐसे अनुकूलन या उपांतरण को किसी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जाएगा। तीन खंडों की कोई बात का राष्ट्रपति को इस संविधान के प्रारंभ से 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात किसी विधि का कोई अनुकूलन या उपांतरण करने के लिए सशक्त करने वाली या खा किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंड के अधीन अनुकूलित या उपांतरित किसी विधि का निरसन या संशोधन करने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी। स्पष्टीकरण एक, इस अनुच्छेद में प्रवृत्त विधि पद के अंतर्गत ऐसी विधि है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित की गई है या बनाई गई है और पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, भले ही वह या उसके कोई भाग अब पूर्णतः या किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में परिवर्तन में ना हो। स्पष्टीकरण दो, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित की गई या बनाई गई ऐसी विधि का जिसका उस इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले राज्य क्षेत्रातीत प्रभाव था और भारत के राज्य क्षेत्र में भी प्रभाव था यथा पूर्वोक्त किन्हीं अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए ऐसे राज्य क्षेत्रातीत प्रभाव बना रहेगा। स्पष्टीकरण तीन, इस अनुच्छेद के किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी अस्थायी परिवृत्त विधि को उसकी समाप्ति के लिए नियत तारीख से या उस तारीख से जिसको यदि वह संविधान परिवृत्त न हुआ होता तो वह समाप्त हो जाती आगे परिवृत्त बनाए रखती है। स्पष्टीकरण चार, किसी प्रांत के राज्यपाल द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 88 के अधीन प्रख्यापित और इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले परिवृत्त अध्यादेश यदि तत्स्थानीय राज्य के राज्यपाल द्वारा पहले ही वापिस नहीं ले लिया गया है तो ऐसे प्रारंभ के पश्चात अनुच्छेद 392 के खंड 1 के अधीन कार्यरत उस राज्य की विधानसभा के प्रथम अधिवेशन से 6 सप्ताह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगा और इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी अध्यादेश को उक्त अवधि से आगे परिवृत्त बनाए रखती है। अनुच्छेद 372 का विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 372 का एक, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के प्रारंभ से ठीक पहले भारत में या उसके किसी भाग में परिवर्तित किसी विधि के उपबंधों को उस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित
इस संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रपति 1 नवंबर 1957 से पहले किए गए आदेशों द्वारा ऐसी विधि से में निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन और रूपांतरण कर सकेगा जो आवश्यक या समीचीन हो, और यह उपबंध कर सकेगा कि वह विधि ऐसी तारीख से जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और रूपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी, और किसी ऐसे अनुकूलन या रूपांतरण को किसी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जाएगा। दो खंड एक की कोई बात किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंड के अधीन अनुकूलित या उपांतरित किसी विधि का निरसन या संशोधन करने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी। अनुच्छेद 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 जब तक अनुच्छेद 22 के खंड 7 के अधीन संसद उपबंध नहीं करती है या जब तक इस संबंध के प्रारंभ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है इनमें से जो भी पहले हो, तब तक उक्त अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो उसके खंड 4 और खंड 7 में संसद के प्रति किसी निर्देश के स्थान पर राष्ट्रपति के प्रति निर्देश और उन खंडों में संसद द्वारा बनाई गई विधि के प्रति निर्देश के स्थान पर राष्ट्रपति द्वारा किए गए आदेश के प्रति निर्देश रख दिया गया हो। अनुच्छेद 374 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 374 एक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले फेडरल न्यायालय के पद धारण करने वाले न्यायाधीश यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हो तो ऐसे प्रारंभ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे, और तब ऐसे वेतनों और भत्तों तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशनों के संबंध में ऐसे अधिकारों के हकदार होंगे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में अनुच्छेद 125 के अधीन उपबंधित हैं। दो इस संविधान के प्रारंभ पर फेडरल न्यायालय में लंबित सभी सिविल या दंडिक वाद अपील या कार्यवाहियां उच्चतम न्यायालय को अंतरित हो जाएंगी और उच्चतम न्यायालय को उनको सुनने और उनका अवधारण करने की अधिकारिता होगी, और फेडरल न्यायालय द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले सुनाए गए या दिए गए निर्णयों और आदेशों का वही बल और प्रभाव होगा मानो वे उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए हो या दिए गए हो। तीन इस संविधान की बात भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय के किसी निर्णय डिग्री या आदेश की या उसके संबंध में अपीलों और याचिकाओं को निपटाने के लिए सपरिषद हिज मजेस्टी द्वारा अधिकारिता के प्रयोग को वहां तक अविधिमान्य नहीं करेगी जहां तक ऐसी अधिकारिता का प्रयोग विधि द्वारा प्राधिकृत है, और ऐसी अपील या याचिका पर इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात किया गया सपरिषद हिज मजेस्टी का कोई आदेश सभी परियोजनाओं के लिए ऐसे प्रभावी होगा मानो वह उच्चतम न्यायालय द्वारा उस अधिकारिता के प्रयोग में जो ऐसे न्यायालय को इस संविधान द्वारा प्रदान की गई है किया गया कोई आदेश या डिग्री है हो। चार इस संविधान के प्रारंभ से ही पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य में प्रीवी काउंसिल के रूप में कार्यरत प्राधिकारी की इस राज्य के भीतर किसी न्यायालय के किसी निर्णय डिग्री या आदेश की या उसके संबंध में अपीलों और याचिकाओं के ग्रहण करने या निपटाने की अधिकारिता समाप्त हो जाएगी, और उक्त प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारंभ पर लंबित सभी अपीलें और अन्य कार्यवाहियां उच्चतम न्यायालय को
अंतरित कर दी जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी। पांच, इस अनुच्छेद के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए संसद विधि द्वारा और उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अनुच्छेद 375 भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र सिविल दांडिक और राजस्व अधिकारिता वाले सभी न्यायालय और सभी न्यायिक कार्यपालक और अनुसचिवीय प्राधिकारी और अधिकारी अपने अपने कृत्यों को इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए करते रहेंगे।